जोड़ना है, रिंग जोड़ दो, वायर
स्ट्रक्चर रिंग का बनता है। रिंग का स्ट्रक्चर देखो, उसमें ये भी लगा है, एक दो तीन चार पांच, बोला था ना रिंग में अपने एल्केन वाली केमिस्ट्री बताइए बेटा, डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं, मैंने वो भी बोला था कि सारे हाइड्रोजन का बनता है, ठीक है। अच्छा अगर ये छह हाइड्रोजन लगाते हैं आप, यहाँ से चालू किया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ लगा, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लगा ना, यहाँ से है ना, छह हाइड्रोजन दबाने हैं, बारह नहीं करना, बारह करने होते तो सबको दो 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 मिल जाए, सारी बात समझ। अब यहाँ पे अब देखो आप ना, इसको तीन मिल गए, इसको तीन मिल गए, इसका अगर सबको एक एक मिल जाए, के अंदर ना बनाना है सारी सर इससे क्या बोल रही सी फोर एस टेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, नाम भी लिखा हुआ, नाम बना रहा हूँ उसको, बता रहा हूँ ठीक है सर इसके किसका है स्ट्रक्चर ऐसा कर सकते। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दिया था, ठीक है, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं ना, मतलब अनसैचुरेटेड में एल्कीन और अल्काइन वाली कैटेगरी आ जाती है। अगर आपको चार ऑप्शन दे दूं या वर्ड प्रॉब्लम भी दे दें, छांटा भी नहीं कर देंगे, छांटो इसमें से कौन ट्रिपल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले, फिर केस स्टडी दे दूं, आप क्या उसको तो बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड इसमें है, डबल बॉन्ड बेंजीन का फॉर्मूला सुन लो यार, दोस्तों C6H6, ठीक है। एक छोटी सी चीज, दो छोटी सी चीज बची है, गैलेट्रॉन का फ्लैवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वो लास्ट है, गैलेट्रॉन का फ्लैवर, गैलेट्रॉन का फ्लैवर, ठीक है। फ्लैवर के तीन गैलेट्रॉन होते हैं, एक दो होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, और एक C16 जिसको बर्मिनिस्टर फ्लेयरिंग भी बोलते हैं, बर्मिनिस्टर फ्लेयरिंग फुटबॉल शेप का होता है, ये डायमंड ग्रेफाइट और एक और होता है C16, बर्मिनिस्टर फ्लेयरिंग में पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, इसमें 660 कार्बन की चेन रखा होता है, ठीक है। पहले आया इलेक्ट्रॉन होते क्या है वो देखो, C16 बर्मिनिस्टर अलग ही टेक्स्ट, फुटबॉल शेप दिख रहा है आपको, उसमें फुटबॉल शेप दिख रही है, तो वो एक मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है, 40 कार्बन, 40 कार्बन, आठ दस पांच दस हो जाएगा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं है, ठीक है। बस जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो कहना सभी के पास, ग्रेफाइट में कैसी बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग समझिएगा आप, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन से ये नीचे वाले कार्बन अटैच, ठीक है, ऐसी बॉन्डिंग होती है, मतलब चार वैलेंसी पूरे करने के लिए कार्बन क्या कर देता है, अपने
कार्बन तीन अलग अलग फ्रैक्चर
Thank you.
समझ गया था ना।